हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ये रेलवे की तरफ से आ रही है, जो कि आ रही है इरकॉन की तरफ से। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी एक रेलवे का ही पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। लास्ट 3 डेज से मैं कंटिन्यू इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा हूँ। कहाँ करा रहा हूँ? ये करा रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे? अभी तक जो है 47 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो चुका है, जिनमें से 28 गर्ल्स थी और 21 बॉयज़ थे, शायद 19 बॉयज़ थे, ऐसे ही था, 19 या 20 बॉयज़ थे। तो उनमें से जो सेलेक्ट हुए हैं 17 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। ये जो 30 बंदे बाहर क्यों निकले, मैं आपको पहले ही बता दूं वो बाहर क्यों निकले, उसका रीज़न है। उनका रीज़न ये है कि मैंने कितनी बार एक ही चीज़ बोल बोल के आपको परेशान हो चुका हूँ, भाई अपना जो है सीवी पे ध्यान दो। मैंने आपके पर्टिकुलर, आपके सिर्फ करिकुलम विटे, मतलब आपके बॉय डाटा के लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई और मैंने बोला कि उस तरीके से आप सीवी बना लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो जो आप प्रॉब्लम करते हैं सीवी में, या रिजेक्ट क्यों होता है, या कवर लेटर में आप ऐसा क्यों करते हैं, वो मैंने हर चीज़ उस वीडियो में बताई है। उसके बाद भी 90% बंदों ने अपना सीवी सही नहीं किया है, सिर्फ लापरवाही के चक्कर में, और उसके बाद एक्सपीरियंस कर सोचते हैं कि हमें जॉब मिल जाए और जॉब के बाद सैलरी भी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आज जो फील किया है, मतलब जो मैं इंटरव्यू में बैठा था, मैंने देखा कि कैसे होता है कैसे नहीं। दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज 55% है डिप्लोमा में किसी भी ब्रांच से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो शायद ये वीडियो भी देख रहे हों तो उनको समझ में आ जाएगा, और ये बात सुनने के बाद शायद वो ब्लॉक कर दें, लेकिन मैं बताऊँ 55% उनके मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं, और 4 या 5 बार उनकी बैक लग चुकी है। उसके बाद हमने उनको उनकी मजबूरी को देख के, उनकी जॉब को देख के हमने सेलेक्ट कर ली भी लिया, और सेलेक्ट करने के बाद साहब सैलरी की एक्सपेक्टेड क्या रखते हैं कि मेरे को 45,000 पर मंथ चाहिए, इससे कम में मैं काम नहीं करूँगा। तो इज़ इट मजाक, क्या चल रहा है? तो ऐसा मत कीजिए, आपकी जॉब पहले है। अगर आपकी कहीं कम में भी जॉब लग रही है तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई की। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों वैकेंसी के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, इससे पहले मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया है आपको। जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है मैं आपको बता दूं, तीनों की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ आप जाके तीनों पे ज्वाइन हो जाइए, और इंस्टाग्राम पे अपना सीवी भेज दीजिए मेरे को, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले अपडेट के लिए, और व्हाट्सएप पे आप अर्जेंट अपडेट के लिए ज्वाइन हो जाइए। तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन हो जाइए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट वेरियस ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सबसे पहली रिक्रूटमेंट है एडवर्टीजमेंट C15/2023। अब आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, अरे कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, सब अपना एक बार जॉब लगनी चाहिए, सब कोई नहीं पूछता कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे जैसे ही आपने इस वाली वैकेंसी को देखा, तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको रीड किया, तो इस तरीके की आपके सामने एक सीट ओपन होकर नजर आ जाएगी। अब आप देखेंगे ये कि ये रिक्रूटमेंट अभी आई है, अभी मतलब कुल 8-7 दिन पहले, ये 29/2023 को ही आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने बोला है कि इरकॉन इतना बड़ा ग्रुप है कि 12210261 CR का इन्होंने 2022-23 में टर्नओवर किया है, और ये इंडिया के साथ साथ मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल एंड श्रीलंका में वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, इनमें जो वैकेंसी के आ रही है, इनमें वैकेंसी आ रही है किस किस के लिए, सिविल वालों के लिए और एसएनटी में आते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इसमें एलिजिबल है। और यहां एक्सपीरियंस की ज्यादा डिमांड नहीं की गई है, याद रखिएगा एक्सपीरियंस की डिमांड ओनली 1 ईयर की। अगर आपके साथ आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसमें क्या मांगा गया है जी, फुल टाइम BE BTech चाहिए, यहाँ BE BTech कंपलसरी कर दिया है, और इसके साथ साथ जो SNT में जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए भी BE BTech कंपलसरी कर दिया है, सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस। पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, झारखंड में रहने वाली है और वेस्ट बंगाल में रहने वाली है। सिविल वालों के लिए जो सैलरी रहेगी 36,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेज। अब आप बोलेंगे ये अलाउंसेज कहाँ लिखे हैं, इन्होंने साफ साफ नीचे लिख दिया है आर्टिकल
ट्रेनिंग और जो एडिशनल अलाउंसेज हैं वो भी आपको दिया जाएगा। 2000 तो आपको पर मंथ दिया जाएगा, इसके अलावा अकोमोडेशन वगैरह मिला के जो कि 56,000 रुपये के आसपास हो जाता है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो एक साल की आपके पास कहीं भी अगर अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप जो भी आपने कर रखा है वो सभी यहाँ वैलिड है। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जनरल कंडीशन क्या है? जनरल कंडीशन आपको पैरा बी में मिलेगी जो कि मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको क्या और क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको 3 लाख रुपीज़ का जो एक प्रीमियम मिलेगा जिसका 4,000 रुपये पर एनम आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। और तो क्या ही है, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तो आपको मैं बता दूँ कि इसके बिहाफ पे आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जिसका लिंक मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है दोस्तों? इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहने वाली है, देखिए 12/10 मतलब 12 ऑफ अक्टूबर वर्क एसएनटी के लिए, वर्क इंजीनियर सिविल के लिए वेस्ट बंगाल में 13/10 और 13/10 दोस्तों। इसको करना कैसे होगा, क्या करना होगा? देखिए जो कोलकाता और झारखंड के आसपास रहने वाले बंदे हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया गया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, इसको सेल्फ अटेस्ट करके पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें और यहाँ आप इसको भेज दें। क्या एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों, यहाँ ये इस पर आपको भेज देना है। इसके अलावा कोई भी कॉन्टैक्ट होता है किसी भी तरीके का, और ये कब तक भेजना है जी? ये आपको भेज देना है 12 और 13 से तारीख से पहले पहले, तो बहुत ही अच्छा है। और खुद भी जाके आप दे सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आपको recruitment@ircon.org पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये थी आपके लिए वैकेंसी। वैकेंसी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।